लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जो है इसमें हमने सबसे पहले ये देखा था कि नल हाइपोथेसिस क्या होती है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के मुताल्लिक हम ये बता रहे थे कि लास्ट क्लास में जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हमने देखा था, इसमें हमने ये किया था कि हमारे पास कोई भी एक क्लेम होगा या हमारे पास कोई भी एक स्टेटमेंट होगा, और हम उस स्टेटमेंट को टेस्ट करेंगे कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है या वो ठीक है। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हमारे पास जो स्टेटमेंट होगा या जिसको हम हाइपोथेसिस कहेंगे। सर हमें आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, क्या सबको नहीं आ रही या कुछ लोगों को आ रही है? ऐसा कोई यहाँ तो जिसको आ रही हो आवाज? सर मुझे आ रही है। तो इसका मतलब है कि फिर कुछ उसका प्रॉब्लम होगा, इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा अगर आपके पास सही से नहीं आ रही तो, या फिर अपने कोई जो है वो डिवाइस को देखिए उसमें शायद कोई इशू। नल हाइपोथेसिस की हम बात कर रहे थे, तो ये नल हाइपोथेसिस एच नल से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या चीज है? अ हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड, ठीक है, यानी जो भी हमारा क्लेम होगा ठीक है उसको हम टेस्ट कर रहे हैं, यानी कि जिस चीज को हम टेस्ट करेंगे वो नल हाइपोथेसिस है, ठीक है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये होगी कि अ हाइपोथेसिस टू बी कंसीडर्ड अगेंस्ट एच नल, तो एच नल के अगेंस्ट जो हाइपोथेसिस है उसको हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहेंगे, ठीक है। और फिर हम ये देखते हैं कि हाइपोथेसिस टेस्ट क्या चीज होती है। हाइपोथेसिस टेस्ट होता है अ प्रॉब्लम इन ए हाइपोथेसिस टेस्ट is to decide whether the null hypothesis should be rejected or rejected in favor of the alternative. Alternative hypothesis likh deta hu, alternative hypothesis. यानी क्या है? द प्रॉब्लम इन अ हाइपोथेसिस टेस्ट इज टू डिसाइड वेदर द नल हाइपोथेसिस शुड बी रिजेक्टेड इन फेवर ऑफ द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। यानी कि हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्ट है, इसका मतलब ये होगा कि जो नल हाइपोथेसिस है, यानी कि जो हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्ट का मतलब दो हाइपोथेसिस होंगी, नल हाइपोथेसिस और उसकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस, तो उसमें हम टेस्ट करेंगे। तो जो हमारा क्लेम है, जैसे कि लास्ट क्लास में एग्जाम्पल मैंने दी थी कि अगर एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो क्लेम कर रही है कि उसका उसकी जो कार है वो 15 किलोमीटर पर लीटर जो है वो माइलेज देती है, तो हमारे पास नल हाइपोथेसिस एक ये हो गई कि जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका माइलेज 15 किलोमीटर पर लीटर है, ये नल हाइपोथेसिस हो गई। और इसकी अल्टरनेट जो है वो ये होगी कि उसका माइलेज 15 से कम है, तो इसको टेस्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को, हमेशा अल्टरनेट को टेस्ट नहीं करते, हमेशा हम टेस्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को। और नल हाइपोथेसिस अब ये देखेंगे कि इसे रिजेक्ट किया जाए या नहीं किया जाए। अगर नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देते हैं तो जाहिर है कि अल्टरनेट उसके अगेंस्ट जो है अल्टरनेट जो हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा,
और अगर इसे रिजेक्ट नहीं करते तो फिर यही जो है वो ट्रू होगी। ठीक है, ये प्लीज आप अपना मास्क लगा लीजिए जी। मैंने आप लोगों को बताया था मुझे बार बार ना कहना पड़े कि आप लोग मास्क लगाइए क्लास में। अगर आप लोग फिजिकल क्लास ले रहे हैं तो ये जरूरी है कि आप लोग मास्क पहने। तो इस चीज को या इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्ट। अब ये जो हाइपोथेसिस टेस्ट होता है, इसमें जो हम किसके लिए कर रहे हैं हाइपोथेसिस टेस्ट, इस वक्त मीन के लिए कर रहे हैं हाइपोथेसिस टेस्ट। मीन क्या? मीन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के मीन के लिए हम हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं। अब ये किस तरह से होगा कि नल हाइपोथेसिस जो है जी, ये दो डेफिनेशंस लास्ट क्लास की हैं और ये तीसरी वाली। देखिए आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, अगर आप ये जो मैं फाइल लिख रहा हूँ आप ये चाहेंगे तो मैं ये भी आप लोगों को दे दूंगा, और इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है तो वो भी आप देख सकते हैं। तो अभी लिख के आप सारे जो जो है एम्फेसाइज करें इसको देख के समझने के लिए। तो अगर आप ना लिखें इसको समझते रहें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, जब चाहिए होगा आप मुझे बता दीजिएगा तो आपको जो भी यहाँ मैं लिख रहा हूँ वो मिल जाएगा जी। क्वेश्चन पूछिए। फर्स्ट आर्ली का सिलेबस जो है वो ये जो 9.3 है ये जो खत्म होगी ना ये यहाँ तक शामिल है, यानी कि जो वन मीन के लिए हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करेंगे तो वन मीन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इसमें शामिल, यहाँ तक फर्स्ट आर्ली 9.3 तक जी। चैप्टर 7 में भी कुछ कराया था थोड़ा सा तो वो भी इंक्लूड होगा। ठीक, बहुत ज़्यादा नहीं है ये, जब आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा ज़्यादा नहीं है। अभी वैसे कहने में ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा है लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है। डेफिनेशन नहीं है, एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आएंगी कि डेफिनेशन लिखें। ठीक है जी 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 9.3 तक, 9.3 इस वीक पे ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट वीक वाला होगा वो फर्स्ट आर्ली में नहीं आएगा। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस को हम एच नल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें ये होता है कि एच नल में हम कहते हैं कि हमारा जो मीन है वो किसी एक वैल्यू के इक्वल है। फॉर एग्जांपल म्यू क्या चीज़ होती है? मीन ऑफ द पॉपुलेशन। जैसे कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का क्लेम है कि एग्जांपल ये हो गई कि एच नल म्यू इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है, ये नल हाइपोथेसिस हो गई। अल्टरनेट की तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं, अल्टरनेट की तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं। ये होती ये है कि एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नल, यानी कि जो वैल्यू है इससे ज्यादा हो। दूसरी ये होती है कि म्यू इज लेस देन म्यू नल, और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नल। अब आपको ये देखना होता है कि आपके केस में कौन सी जी ये जी 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 ये 15 है, यानी कि ये इसका मतलब है कोई एक वैल्यू है फिक्स कर दी, और म्यू का मतलब है वो जनरल जो रिप्रेजेंटेशन होती है मीन की, तो मीन की रिप्रेजेंटेशन म्यू से होती है और म्यू नल उसकी एक वैल्यू है। जी आप कुछ पूछ रहे थे? देखें या तो ये होगी या फिर ये होगी या फिर ये होगी, तीनों में से कोई एक हम लेंगे। ठीक है ना, तो तीन पॉसिबल जो है वो केसेस होते हैं अल्टरनेट के, तो तीनों पॉसिबल केसेस मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। अब आपको देखना होता है कि आपकी जो एग्जाम्पल है या आपका जो क्लेम है वो किस तरीके से होगा। अब इस केस में अब आप खुद बेहतर समझ सकते हैं कि अगर कोई टेस्ट कर रहा है तो ऐसा तो नहीं टेस्ट करेगा कि म्यू इज ग्रेटर देन 15 किलोमीटर पर लीटर, यानी कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है क्लेम कर रही है कि उसकी जो कार है वो 15 किलोमीटर पर लीटर माइलेज देती है। अगर आप टेस्ट कर रहे हैं तो आप टेस्ट यही करेंगे
कि उसकी जो कार है वो 15 किलोमीटर पर लीटर से कम माइलेज दे रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे अल्टरनेट जो है वो हो जाएगा म्यू इज लेस देन 15 किलोमीटर पर लीटर। लेकिन कुछ केसेस में ये ग्रेटर हो सकता है, कुछ केसेस में ये नॉट इक्वल हो सकता है, ये डिपेंड करता है केस टू केस, और ये फिर प्रॉब्लम के मुताबिक आपको डिसाइड करना होगा। इनके मखसूस नाम होते हैं, अब हम ये इसके बाद नेक्स्ट उस पे टॉपिक पे वो पढ़ेंगे। एक मिनट क्वेश्चन पूछ ले जी, आप क्या कह रहे हैं? ये नॉट इक्वल टू है? नहीं देखें, या तो एक ये होगा तो इसमें तो और कुछ नहीं होगा ना फिर, या फिर ये होगा, और अगर ये तीन दोनों नहीं हुए तो फिर ये होगा जी। ग्रेटर भी नहीं है, लेस देन नहीं, नहीं टेस्ट हम क्या कर रहे हैं, देखिए आप समझे नहीं है अभी तक क्वेश्चन को। अब देखिए एक एग्जांपल जो है वो एक बार फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मेरा ख्याल है कि मैं सही से नहीं समझा सका, एक बार फिर आपको बता रहा हूँ। ये उस तरह से मैथमेटिक्स नहीं है कि वो ग्रेटर देन है तो फिर लेस, लेस है, अगर ग्रेटर नहीं है तो लेस होगा, और लेस भी नहीं है तो फिर इक्वल होगा, ऐसे नहीं है। देखें ये इस तरह से नहीं है, इस तरह से है ये कि हम जो फिजिकल सिचुएशन होती है, अच्छा आप भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे आप भी, अच्छा यही क्वेश्चन था, तो हम ये नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि हमारी जो फिजिकल सिचुएशन है वो क्या है। अब देखें ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिए, सबसे पहले इस एग्जांपल को देखते हैं, ठीक है। इस एग्जांपल में क्या है, इस एग्जांपल में ये है कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये क्लेम कर रही है कि 15 किलोमीटर पर लीटर उसकी कार की माइलेज है, ठीक है। तो हमें ये चेक करना होगा या टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करनी होगी। किस तरीके से टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करनी होगी, ये कि जो माइलेज है वो 15 किलोमीटर पर लीटर से कम हो, तो अल्टरनेटिव हमारा जो है वो ये है 15 किलोमीटर पर लीटर से कम, ये इसका अल्टरनेटिव है, टेस्ट हमें यही करना है। लेकिन अब हमारे पास अल्टरनेटिव ये है, अब देखिए एक और चीज, ठीक है जी, एक मिनट एक और चीज देख लीजिए। अब इसके बाद जो है वो एक और जो है एग्जाम्पल मैं देता हूँ, उसमें जो है वो दूसरा कोई केस आ जाएगा। एक क्लेम है कि यूनिवर्सिटी या ये एक क्लास है, उस क्लास में एवरेज ग्रेड यानी कि मीन ग्रेड जो है, या मीन जीपीए पूरी क्लास की मीन जीपीए जो है वो 2.9 है, ये क्लेम है, ठीक है। ये तो ये हो गई नल हाइपोथेसिस। अब इसका अल्टरनेट ये होगा कि क्लास का मीन जीपीए 2.9 नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये अल्टरनेट जो है वो आपके पास ये वाला आ गया, नॉट इक्वल वाला। इसी तरह से कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि जिसमें हम ये चेक करें कि वो ग्रेटर देन हो जाए, यानी कि ये अल्टरनेट में चीजें आएंगी, यानी इन तीनों में से अल्टरनेट में कोई एक आएगा, या तो ग्रेटर या लेस या नॉट इक्वल, लेकिन जो नल हाइपोथेसिस है वो हमेशा इक्वल होगी जी। भाई ये क्लियर होगी ये बात, और किसी को कोई प्रॉब्लम जी? ग्रेटर देन 15 क्यों नहीं हुआ? देखिए एक तो ये कि ग्रेटर देन 15 का अगर कोई टेस्ट कर रहा है तो अगर जो है वो नॉर्मली जो है वो उसके ये जो है वो उसमें जाती है, क्या कहना चाहिए, उसके फेवर में जाती है मैन्युफैक्चरिंग की, अगर 15 से ज़्यादा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो प्रॉब्लम उस वक्त होगी कि जब वो 15 से माइलेज कम होगा, ठीक है। अगर आप कोई कार लेना चाह रहे हैं और कार की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये कहती है कि उसका जो उसकी जो माइलेज है वो 15 किलोमीटर पर लीटर है, तो अगर कोई ये टेस्ट करके ये देखना चाह रहा है कि उसकी 15 किलोमीटर पर लीटर से ज़्यादा एवरेज है, तो उसका फ़ायदा क्या हो? या अगर कोई, तो अब अगर आप एक सैंपल लेते हैं तो उसमें ये अल्टरनेट ये देखते हैं कि 15 किलोमीटर पर लीटर से कम है, तो इस तरह से जो है वो देख लेते हैं। लेकिन मैथमेटिकली जो है वो तो आप नॉट इक्वल भी कर सकते हैं, ग्रेटर भी कर सकते हैं, लेकिन वो तो सिचुएशन फिर आपको देखना होगा जी। जी आप डिपेंड करता है कि आपका सिनेरियो क्या है, किस तरीके से जो है वो उसको अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। मैथमेटिकली तो तीनों चीजें पॉसिबल है ना, ग्रेटर वैल्यू भी, लेस देन भी, और नॉट इक्वल भी, सब कुछ है, लेकिन फिर हमें देखना होगा
और मोस्टली सिचुएशन आपको दी हुई होगी कि किस तरीके से जो है वो आपको 15 के इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये तो ठीक है, तो ये तो नल हाइपोथेसिस है ही ना हमारी, टेस्ट इसी को कर रहे हैं हम, ये जो नल हाइपोथेसिस है इसी को टेस्ट कर रहे हैं। जी हाँ, इक्वल नहीं आ रहा ना, लेकिन लेकिन देखें ठीक है वो इक्वल नहीं आ रहा, लेकिन हम ये टेस्ट करना चाह रहे हैं कि, या हम ये चाह रहे हैं देख रहे हैं कि उसकी जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है, जो जिस कार के बारे में कह रही है, उसकी माइलेज 15 किलोमीटर पर लीटर से कम है। ठीक है, ये हमारा ऑल्टरनेटिव है। अगर ये हमारा ऑल्टरनेटिव है तो ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहलाएगी। ठीक है, तो नॉट इक्वल जो है वो कहना ज्यादा सूटेबल या इसका इसका बेनिफिशियल नहीं होगा कंज्यूमर्स के लिए। ठीक है, यानी कि अगर जो है वो फॉर एग्जांपल अगर एक जो है आपकी आप रिसर्च कर रहे हैं और कार कंपनी जो है वो ये क्लेम करती है कि 15 किलोमीटर पर लीटर उसकी माइलेज है, आपने रिसर्च की मार्केट रिसर्च और कुछ सैंपल्स लिए और सैंपल लेके और आपने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इस तरह से की कि उसकी माइलेज जो है 15 किलोमीटर पर लीटर नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद एक्चुअली उसकी माइलेज 15 किलोमीटर पर लीटर से ज्यादा थी, 16 या 17 थी आपके सैंपल के लिहाज से, लेकिन आएगा क्या जो आपका रिजल्ट है, ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, यानी कि उस कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कंज्यूमर को यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि उसकी जो एक्चुअल जो वो जो है माइलेज है इन प्रैक्टिकल वो कम है या ज्यादा है। समझ में आ रही बात, तो कंज्यूमर के लिए किसी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो इस वजह से जो है ऐसी सूरत में ये आपको करना पड़ेगा। लेकिन कर तो कुछ भी सकते हैं, जाहिर है प्रोसीजर मौजूद है, फॉर्मूला भी मौजूद है, वैल्यू भी निकल आएगी, लेकिन उस वैल्यू को करेंगे क्या फिर। मेरी बात समझ में आई आपके? ठीक है जी, नॉट इक्वल में दोनों आ जाएंगे, ग्रेटर भी आ जाएगा लेस भी आ जाएगा, यानी कि हम ये क्लेम जो है ये बताना चाह रहे हैं कि नहीं ये क्लेम गलत है कि जो है 2.8 जो है वो मीन नहीं है, तो वो फिर मीन जो है वो एक्चुअल मीन जो होता है वो 2.9 से कम भी हो सकता है, वो ज्यादा भी होता है, वो दोनों कवर कर लेगा नॉट इक्वल। और अगर पर्टिकुलरली बताना चाह रहे हैं कि इससे कम है तो फिर आपको लेस देन ही लेना पड़ेगा। जी आप पूछें। नॉट इक्वल में फिर ज्यादा वाला आ जाएगा ना, फिर ज्यादा वाला भी तो आ सकता है, नॉट इक्वल का मतलब ज्यादा वाला भी हो सकता है। हाँ अनइक्वल, तो इसमें अब आप कोई एडवांटेज ज्यादा नहीं मिलेगा ना, अब आपको देखिए खुद ही देखना है ये सब कुछ, खुद ही आपको करना है कि क्या बेहतर जो है आपकी। जी 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 बिल्कुल। अब ये जो आपके पास है देखिए, इसमें जो है ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर साइड में, देखिए एक ये चीज है, राइट की तरफ जाएंगे तो ये ग्रेटर हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो ये लेस देन वैल्यू हो जाएगी, तो राइट की तरफ जाएंगे तो ये ग्रेटर वैल्यू के लिए राइट की तरफ जा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं राइट टेल, यानी कि ऑल्टरनेटिव जो है ये कहलाता है राइट टेल, और जब लेस देन होता है तो हमारा जो ऑल्टरनेटिव होता है वो कहलाता है लेफ्ट टेल, और जब नॉट इक्वल होता है तो ये दोनों तरफ होगा, लेस देन और इक्वल, लेस देन और ग्रेटर देन, इक्वल तो हो ही नहीं सकते, इक्वल तो नल हाइपोथेसिस हो गया हमें, तो ये कहलाता है टू टेल। तो लेफ्ट टेल, राइट टेल, टू टेल, ये इस किस्म के प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज? अब देखिए इसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हम कर रहे हैं तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में जो है वो एरर के चांसेस होते हैं, क्योंकि हम पूरी पॉपुलेशन का डेटा तो नहीं ले रहे,
हम जो है वो पॉपुलेशन के डेटा के बजाय कुछ एस्टिमेशन के प्रोसेस के जरिए टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कर रहे हैं, जो हमने जो है एस्टिमेशन जो लास्ट क्लास में जो देखा था उसके जरिए कुछ काम कर रहे हैं। तो हम कंसीडर किस चीज को कर रहे हैं, कंसीडर एक सैंपल को कर रहे हैं और उस सैंपल के जरिए टेस्ट जो है वो टेस्टिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें एरर हो सकता है, यानी कि हो सकता है कि ये जो कार मैन्युफैक्चरिंग है उसका क्लेम सही हो, लेकिन हमने जो है वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस को कह दिया कि ये ट्रू, यानी कि ये फॉल्स है, नल को कह दिया ये फॉल्स है जबकि ये ट्रू था। लेकिन ये भी हो सकता है जबकि ये फॉल्स हो और हम कह दें कि ये ट्रू है, यानी कि एरर्स आ सकते हैं। तो ये देखते हैं कि किस किस्म के एरर्स जो है वो हो सकते हैं। तो अगर हमारे पास जो है नल हाइपोथेसिस एच नल, ये अगर ट्रू है या फिर फॉल्स, यानी कि नल हाइपोथेसिस या तो ट्रू होगी या फिर ये नल हाइपोथेसिस फॉल्स होगी, ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब हम डिसीजन जो है वो क्या ले सकते हैं, हमारा डिसीजन जो है वो ये होता है कि हम डू नॉट रिजेक्ट एच नल, और डिसीजन ये हो सकता है कि रिजेक्ट एच नल, यानी कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें या रिजेक्ट नहीं करें हम। तो ये पॉसिबल डिसीजंस हो सकते हैं नल हाइपोथेसिस के, नल हाइपोथेसिस ट्रू या फॉल्स होगी और उसके ये दो डिसीजन हो सकते हैं, या तो हम उसे रिजेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, दो ही डिसीजन होंगे। अब अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू थी और हमने उसे रिजेक्ट नहीं किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो हमारा करेक्ट डिसीजन हो गया, ठीक है, तो ये करेक्ट डिसीजन है। नल हाइपोथेसिस फॉल्स है लेकिन हमने उसे रिजेक्ट नहीं किया जबकि रिजेक्ट कर देना चाहिए था, तो इसका मतलब है कि ये एरर आ गया। समझ में आ गई बात, तो ये एरर है, ये गलती है ये हमारी, कि जो नल हाइपोथेसिस फॉल्स है लेकिन हम उसे क्या कर रहे हैं, फॉल्स को तो रिजेक्ट करना चाहिए था लेकिन डू नॉट रिजेक्ट एच नल, हमने उसे रिजेक्ट नहीं किया। इसी तरीके से एच नल अगर ट्रू थी, यानी कि वो सही थी, लेकिन क्योंकि हमने जो सैंपल इस तरह से लिया था कि वो हमारे पास क्या आ गया, वो फॉल्स आ गया, यानी उसको रिजेक्ट कर दिया, ट्रू थी ट्रू को रिजेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब है कि ये भी एरर आ गया। अब नल हाइपोथेसिस फॉल्स है लेकिन हमने उसे क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो ये करेक्ट डिसीजन। तो ये दो करेक्ट डिसीजन हो सकते हैं और दो एरर आ सकते हैं। अब ये जो दोनों एरर्स हैं, ये दो डिफरेंट टाइप्स के एरर, दो कौन कौन सी टाइप के एरर हैं, अगर आप ट्रू नल हाइपोथेसिस को, यानी कि वो क्लेम जो था नल हाइपोथेसिस का वो ट्रू था लेकिन अगर आप उसे रिजेक्ट कर रहे हो तो ये कहलाती है टाइप, ये कहलाता है टाइप वन एरर, इस एरर को हम कहते हैं टाइप वन एरर। इसी तरह से अगर नल हाइपोथेसिस जो थी वो फॉल्स थी लेकिन आपने क्या किया, आपने उस फॉल्स नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं किया जबकि रिजेक्ट करना चाहिए था, तो ये कहलाता है टाइप टू एरर। तो ये दो मर्तबा, यानी कि दो पॉसिबिलिटीज करेक्ट डिसीजन की होती है और दो पॉसिबिलिटीज इसमें जो है जी, मतलब ये बस इसका नाम टाइप वन रखा हुआ है, टाइप वन इसे कहते हैं और इसे टाइप टू कहते हैं, वैसे तो इसका कुछ और नाम है, अभी पढ़ते हैं। इनकी दरअसल ये एरर्स हैं, इनकी प्रोबेबिलिटीज के नाम है और वो आप पढ़ चुके हैं, मैंने उस वक्त जब पढ़ाया था तो मैंने उस वक्त कहा था कि मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप वन एरर ये कहलाती है सिग्निफिकेंस लेवल,
जो हम पहले पढ़ चुके हैं अल्फा। अल्फा हमने अभी पूरे एस्टिमेशन में पढ़ा है अल्फा क्या चीज होती है। सिग्निफिकेंस लेवल था, तो सिग्निफिकेंस लेवल जो हमने पढ़ा था ये कहलाता है टाइप वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप वन एरर। ठीक है, बहरहाल टाइप वन एरर को किस तरह से डिफाइन करेंगे, टाइप वन एरर है रिजेक्टिंग ऑफ ट्रू नल हाइपोथेसिस, रिजेक्टिंग द ट्रू नल हाइपोथेसिस। और ये जो टाइप टू एरर है ये है नॉट रिजेक्टिंग ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस। ये हमारे पास ये इस तरह से आता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इस चीज में? अब ये जो टाइप वन एरर और ये टाइप टू एरर है, तो ये जो टाइप वन एरर है, इस टाइप वन एरर जो एरर हो रहा है, तो अब एरर हो रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी की कंप्यूटेशन होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो टाइप वन एरर की जो प्रोबेबिलिटी होती है ये कहलाता है सिग्निफिकेंस लेवल। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप वन एरर इज कॉल्ड सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इस चीज में? दी प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप टू एरर is called, बल्कि इसके लिए नाम तो नहीं होता, इसके लिए बल्कि इसको ऐसा कर देंगे, is represented by beta। इसको जो है हम beta से represent करते हैं, ग्रीक letter जो है ये beta है, इससे जो है इसे represent किया जाता है। अब इसके बाद देखें हमारे पास जो है ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हम करना चाह रहे हैं। तो हमें ये तो पता चल गया टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है क्या, इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ये पता चल गया। अभी हमें ये नहीं पता करना कैसे है, प्रोसीजर जो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का ये हमें किसी को नहीं पता कि किस तरह से करना है, लेकिन हमें ये बात पता है कि ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है क्या हमारे पास एक, और मीन के लिए कर रहे हैं तो मीन से रिलेटेड एक स्टेटमेंट होगा, हम उसे कहेंगे नल हाइपोथेसिस। उसके ऑल्टरनेट में एक और हाइपोथेसिस होगी जिसे हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कहेंगे, वो लेफ्ट टेल हो सकती है अगर लेस देन हो, ग्रेटर राइट टेल हो सकती है अगर ग्रेटर देन हो, नॉट इक्वल हो तो टू टेल हो सकती है। तो वो जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसके अगेंस्ट नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, तो फिर हम ये बताएंगे कि इस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जाए या रिजेक्ट नहीं किया जाए, जिसमें एरर के चांसेस होते हैं। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है,
ठीक है, प्लीज आप अपना मास्क लगा लीजिए। ये मुझे बार बार क्यों कहना पड़ता है आप लोगों से, आपने भी नहीं लगाया हुआ मास्क। जी मैं अगर मास्क उतार रहा हूं तो मेरी मजबूरी है कि मुझसे बहुत देर तक मास्क के साथ बोला नहीं जा सकता, अच्छे खासे लोग जो है, लेकिन आप लोग तो बातें नहीं कर रहे, आप लोग तो सिर्फ सुन रहे हैं, तो कानों पे मास्क थोड़ी आप लोगों ने लगाया हुआ है। ठीक है, अगर कानों पे लगाया हुआ तो मुश्किल होती। ठीक है, तो प्लीज जो है वो अपने मास्क, अगर क्लास के दौरान, मैंने तो आप लोगों को कह दिया कि अगर आप लोग मास्क नहीं पहन सकते तो बाहर बैठ के क्लास ले लें मोबाइल के थ्रू, या जो है आप लैपटॉप के थ्रू ले लीजिए, लेकिन क्लास में आए तो फिर जो SOPs है उनको फॉलो करें, अदरवाइज क्लास में ना। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जो है ये प्रोसीजर हमें पता चल गया है, मैं सॉरी प्रोसीजर नहीं पता चला, ये है क्या इसके बारे में पता चल गया है, लेकिन ये करते कैसे हैं या इसमें क्या चीजें होती हैं इसके, तो इसमें दो अप्रोचेस होती हैं, एक कहलाती है क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच, और दूसरी कहलाती है पी वैल्यू अप्रोच। दोनों अप्रोचेस से हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस निकाल सकते हैं, यानी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का प्रोसीजर यूज कर सकते हैं, और दोनों से एक ही रिजल्ट आता है। ठीक है, तो किसी भी तरह से जाएं तो आप यूज कर सकते हैं क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच या पी वैल्यू अप्रोच, लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जहन में बात है तो वहां पर अगर नहीं लिखा हो तो कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, और अगर जो लिखा होगा तो फिर आपको वही करना होगा। अगर लिखा होगा पी वैल्यू करें तो फिर पी वैल्यू के साथ करना होगा, और अगर लिखा होगा क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच करें तो फिर आपको क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच ही यूज करनी पड़ेगा। जी हाँ, उससे कोई फर्क नहीं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही रहता है। ठीक है, अब ये क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच या पी वैल्यू अप्रोच जो है वो होती क्या है, पी वैल्यू अप्रोच जो है प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है, और क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच जो है वो डिपेंड करती है, क्रिटिकल वैल्यू जो कि जी वैल्यू, जो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व की जो वैल्यू हम निकालते हैं जी वैल्यू, उसके ऊपर जो है डिपेंड करती है। तो अब इसके बाद एक प्रोसीजर देखते हैं, जिस प्रोसीजर से जो है वो हमें जो है वो पता चलेगा। ठीक, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं डायरेक्टली प्रॉब्लम्स के ऊपर या प्रोसीजर के ऊपर आऊंगा ताकि आपको जो है वो निकल जाए। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का प्रोसीजर तो मैंने जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में तो बताया था कि क्या होता है, अब हम सीखने जा रहे हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का प्रोसीजर कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे। उसके लिए हमारे पास दो अप्रोचेज हैं, एक कहलाती है क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच, दूसरी अप्रोच है पी वैल्यू अप्रोच। ठीक है, तो अब ये देखेंगे कि ये दोनों किस तरीके से होती हैं। इसका प्रोसीजर मैं आपको लिखवा रहा हूं, इसे हम कहते हैं ये प्रोसीजर है, प्रोसीजर कौन सा है, वन मीन जी टेस्ट। अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा कि ये सारी चीजें आप सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कर सकते हैं आसानी से, सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीजें, एक आर भी होता है और एक एक्सेल भी है, एक्सेल तो आपने सबके पास ही होगा अगर माइक्रोसॉफ्ट जो है ऑफिस है तो एक्सेल में भी यूज कर सकते हैं, इसके अलावा जो है वो SPSS भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और कौन सा कह रहे हैं, मिनी टैब भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आप चाहें तो इनको यूज कर सकते हैं, लेकिन हम क्लास में कोई एक सॉफ्टवेयर जो है वो पढ़ेंगे, लेकिन पहले जो है इसको मैन्युअली करना सीखेंगे कि हाथ से कैसे करते हैं, उसके बाद जो है थ्रू सॉफ्टवेयर भी करेंगे इंशाल्लाह।
तो वन मीन जी टेस्ट हम देख रहे हैं, ये हमारा प्रोसीजर है। सबसे पहले इसकी assumptions, assumptions सर, वही क्रिटिकल वैल्यू कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं एक साथ। सिंपल रैंडम सैंपल, जी मैंने आपको बताया कि दोनों कर रहे हैं एक साथ, दोनों एक साथ बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है दोनों में कॉमन होती हैं। अब पहले वो पहले क्रिटिकल वैल्यू के लिए वही चीज़ करें, फिर दोबारा वो पी वैल्यू की भी करें तो टाइम बढ़ेगा, तो इसके जो है वो बेहतर ये कि दोनों को एक साथ ही हम देख लेते हैं। तो इस वजह से मैं दोनों को एक साथ देख रहा हूँ, इससे ये होगा कंपेरिजन भी आसान हो जाएगा आपकी। सिंपल रैंडम सैंपल होना चाहिए, दूसरी चीज नॉर्मल पॉपुलेशन, और लार्ज सैंपल, और तीसरी जो है सिग्मा इज नोन, यानी कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन हमें पता हो। यहाँ आसानी के लिए मैं ये लिख भी देता हूँ कि वन मीन जी टेस्ट व्हेन सिग्मा इज नोन, यानी कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन हमें मालूम है पहले से, ठीक है। अब ये कर रहे हैं, अब इसका स्टेप वन देखिए। स्टेप वन में सबसे पहले हम नल हाइपोथेसिस और उसके अल्टरनेट सेट करेंगे। तो नल हाइपोथेसिस हमेशा जो है वो क्या होगी, नल हाइपोथेसिस हमेशा एच नल यही होगी, म्यू इक्वल्स सम वैल्यू, फॉर एग्जांपल वो वैल्यू है म्यू नल, जो भी वैल्यू होगी। फिर उसके बाद अल्टरनेट उसके सेट करेंगे, अल्टरनेट होगा एच ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा, अगर वो लेफ्ट टेल होगा तो म्यू इज लेस देन म्यू नल, और अगर वो राइट टेल होगा तो एच ए म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नल, और अगर वो टू टेल होगा तो एच ए म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नल, ठीक है ना। ये लेफ्ट टेल, ये राइट टेल, ये टू टेल प्रॉब्लम, तो इस तरह से जो है ये आ जाएगा। नंबर टू, नंबर टू में क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा, डिसाइड ऑन द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा। अगर आपको ये दिया हुआ हो तो अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ तो फिर आप इसे 5% ले लीजिएगा, ठीक है ना। हमने 1 माइनस अल्फा के बारे में पढ़ा था, और 1 माइनस अल्फा को हम क्या कहते थे, कॉन्फिडेंस लेवल, तो इसमें क्या है, अल्फा है, ये कहलाता है सिग्निफिकेंस लेवल, ठीक है। और सिग्निफिकेंस लेवल और कॉन्फिडेंस लेवल दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद स्टेप थ्री है, स्टेप थ्री में कंप्यूट स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स कंप्यूट करते हैं, कंप्यूट स्टैटिस्टिक्स, और वो फॉर्मूला है जी इक्वल्स एक्स बार माइनस म्यू ओवर म्यू नल डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन, इससे हमारे पास जी आ जाएगा, ठीक है। और इसको कोई एक वैल्यू जो है एंड डिनोट इट बाय जी नल, इसको जी नल कह दिया, एक वैल्यू आ गई। जाहिर है को हम एक एक्स बार हमें मालूम होगा, सैंपल तो जाहिर है सैंपल होगा, जब भी तो सब कुछ कर सकते हैं, सैंपल के बगैर तो कुछ नहीं कर सकते, तो उसका एक्स बार होगा,
म्यूनल हमारे पास होगा, सिग्मा पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है ये भी हमें पता है, और एन जो है सैंपल साइज है ये भी हमें पता है, इससे जी निकाल। जब हमारे पास जी आ जाएगा, अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, और वो दो ऑप्शन ये हैं कि हम क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच यूज करें या पी वैल्यू अप्रोच यूज करें। यहां पे मैं लिख रहा हूं क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच को, यानी ये जो स्टेप तीन स्टेप्स हैं ये कॉमन हो गए दोनों में, क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच और दूसरा है पी वैल्यू अप्रोच। अब देखिए ये आपके पास कौन सा प्रॉब्लम था, ये जो प्रॉब्लम था इसमें जी की वैल्यू निकाली थी जो कि जी नल आई थी, ये लेफ्ट टेल प्रॉब्लम हो सकता है अगर ये हो, ये लेफ्ट टेल है, लेफ्ट टेल्ड प्रॉब्लम, ये राइट टेल्ड प्रॉब्लम है, ये टू टेल्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये इस तरह के प्रॉब्लम है। अब स्टेप फोर होगा, इसका स्टेप फोर कुछ और होगा, इसका स्टेप फोर कुछ और होगा, स्टेप थ्री तक जो है वो सबका सेम था। स्टेप फोर ये होगा कि फाइंड द क्रिटिकल वैल्यूज, क्रिटिकल वैल्यूज जो है वो आप निकालेंगे। अब वो क्या होंगी, लेफ्ट टेल में माइनस जी अल्फा होगी, राइट टेल में प्लस जी अल्फा होगी, और टू टेल में प्लस माइनस जी अल्फा बाई टू होगी। यानी कि ये है लेफ्ट टेल, ये है राइट टेल, और ये है टू टेल, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएंगी, यानी कि ये अल्फा हमें जो दिया होगा उस अल्फा से हम ये निकालेंगे। ये टू लिखा हुआ, ये हो सकता है कि कुछ आपको लग रहा हो कि जी अल्फा बाई टू, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास ये क्रिटिकल वैल्यू में ये लेफ्ट टेल आएगा तो कर्व इस तरह से होगा, ये जाहिर है कि z एक्सिस होता है आपको पता है, ये नेगेटिव है ना तो जीरो जो है बीच में होता है, इसके ये भी पता होगा आपको। ये लेफ्ट साइड पे जो z वैल्यू आएगी ये कहलाएगी माइनस z अल्फा यहां पर, ठीक है। ये राइट टेल जब होगा तो ये जीरो होता है, ये जो वैल्यू होगी राइट साइड पे ये प्लस जी अल्फा, ये इसकी क्रिटिकल वैल्यू होगी, और इस वैल्यू, ठीक है ना, इसी तरह से टू टेल में क्या होगा, ये जीरो होता है, टू टेल में ये होगा ये जीरो होता है, तो ये माइनस जी अल्फा बाई टू होगा, और ये वैल्यू जो है माइनस प्लस जी अल्फा बाई टू वैल्यू होगी। और ये सारी वैल्यूज कौन सी वैल्यूज हैं, क्रिटिकल वैल्यू। अब देखिए क्रिटिकल वैल्यूज हैं, लेफ्ट टेल में कुछ और है, राइट टेल में कुछ और टू टेल में दोनों तरफ आएंगी। अब ये क्रिटिकल वैल्यू जो है वो आपको रीजन बताएंगी कि रीजन क्या है, यानी कि क्रिटिकल वैल्यू जो है इसके लेफ्ट साइड पे जो आएगा ये क्रिटिकल रीजन कहलाएगा, ये ऐसे कहते हैं क्योंकि क्रिटिकल वैल्यूज है ना, ये रीजन डिफाइन करेंगे। अब
इसके लेफ्ट पे जो होगा रिजेक्शन रीजन होगा और राइट पे रिजेक्शन रीजन नहीं होगा, यानी कि रिजेक्ट डू नॉट रिजेक्ट, ठीक है। यानी ये इसके लेफ्ट पे अगर जी वैल्यू, यानी कि जो हमने क्रिटिकल वैल्यू निकाली थी, वो सॉरी जो स्टैटिस्टिक्स से वैल्यू निकाली थी जी नल जो आई थी, वो अगर ये लेफ्ट टेल प्रॉब्लम है तो वो उसके अगर लेफ्ट पे आएगी तो रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को, और वो जो वैल्यू निकाली थी वो अगर इसके राइट पे आ रही है तो डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे। इसी तरीके से ये जो रीजन है ये रिजेक्शन रीजन है राइट टेल में, और ये जो रीजन है इसके लेफ्ट पे डू नॉट रिजेक्ट, इस पे हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो अगर राइट टेल प्रॉब्लम है तो जी नल जो हमने निकाला है कैलकुलेशन के जरिए वो इस जी अल्फा बाई टू से बड़ा आ रहा है तो रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को, अगर बड़ा नहीं आ रहा तो रिजेक्ट नहीं करेंगे। टू टेल प्रॉब्लम देख लीजिए, टू टेल प्रॉब्लम में माइनस जी अल्फा बाई टू के लेफ्ट पे रिजेक्ट है और प्लस जी अल्फा बाई टू के राइट पे रिजेक्ट है, बीच में जो रीजन है यह है डू नॉट रिजेक्ट, इस पे रिजेक्ट हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई प्रॉब्लम है इस चीज में, तो जो हमने जी नल निकाला था ये वैल्यू हमने निकाली है, ये वैल्यू अगर इससे बड़ी आ गई या छोटी आ गई इससे तो हम कह देंगे कि ये रिजेक्ट कर देंगे, और अगर नहीं आई तो रिजेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। पांचवा स्टेप, यानी कि यही चीज जो मैंने यहां पर आपको बताई है इसको मैं स्टेप्स में लिख रहा हूं, ठीक है। इफ the value of the statistics, यानी कि वो जो हमने value calculate किए, ठीक है, false in the rejection region, ठीक है, आ जाएगा अगर कोई rejection region में आ रही है रिजेक्ट तो फिर रिजेक्ट कर दीजिए इस टाइम, अदरवाइज डू नॉट रिजेक्ट। एच नल तो रिजेक्ट नहीं कीजिए, यानी कि ये सिंपली क्रिटिकल वैल्यूज निकाल के इस तरह से देख सकते हैं, और फिर उसके बाद आखिरी जो है उसमें इंटरप्रिटेशन करते हैं, वो दोनों में सेम ही होगा। अब ये जो दो स्टेप थे चौथा और पांचवा, ये पी वैल्यू में क्या होगा? अब देखिए हमने जो फॉर्मूले से वैल्यू जी नल तो निकाली हुई है, ठीक है, अब क्या करेंगे इसके अंदर, ये करते हैं पी वैल्यू अप्रोच में, ये जो जी नल हमने निकाला हुआ है इस वैल्यू के जरिए हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं टेबल से, इस जी वैल्यू के जरिए टेबल से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो बन जाएगी पी वैल्यू, ठीक है, वो जो प्रोबेबिलिटी आएगी पी वैल्यू होगी, यानी कि यूज टेबल टू ऑब्टेन पी वैल्यू, ठीक है, टेबल को यूज करके पी वैल्यू ऑब्टेन करें, ठीक है, और ये जी नल के जरिए बाय जीनल जो भी यहां से जी वैल्यू आएगी उसके जरिए। अब ये टू टेल में अलग होगी, लेफ्ट टेल में अलग होगी और राइट टेल में अलग होगी, तो सिंपली जो है वो क्या होगा देखिए, अगर लेफ्ट टेल है तो ये इसी तरह से जी नल होगा, ये जो यहां पर था ना, यहां पे जी अल्फा लिख रहे होते थे, अब यहां पे हम क्या लिखेंगे जी नल माइनस जीनल, यानी कि वो जो जीनल है इसके जरिए हमने लेफ्ट टेल था तो ये हमने ये लिखा, और ये जो एरिया होगा इसे हम कहेंगे कि पी वैल्यू है, ये हमारा ये पी वैल्यू, और ये जो होगा इसके लेफ्ट पे ये रिजेक्शन रीजन होगा और राइट पे जो होगा वो आप उसको अभी देख लेते हैं। ये लेफ्ट टेल हो गया, राइट टेल में क्या करेंगे, राइट
राइट टेल में ये होगा कि ये प्लस जीनल होगा, और इस जगह पे जो ये एरिया होगा सारा ये ज्यादा वाला, ये कहलाएगा पी वैल्यू, ये हमारी पी वैल्यू हो जाएगी। यानी अभी अल्फा का काम शुरू नहीं हुआ, वो जो हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की थी उसी के जरिए हम प्रोबेबिलिटीज निकाल रहे हैं, कौन से टेबल के जरिए। और टू टेल में क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा नीचे करके बना रहा हूँ, टू टेल में ही करेंगे कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पे वैल्यूज आएंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पे वैल्यूज आएंगे, यहाँ पे जो जीनल होगा यहाँ पे भी जीनल होगा, ये माइनस का होगा, ये प्लस का, ये जो है ये भी वैल्यू आएगी, ये भी वैल्यू आएगी, ये दोनों पी वैल्यूज होंगी। ऐसे लिख देता हूँ कि दोनों, ये दोनों जो हैं ये कहलाएंगे इसकी पी वैल्यूज। अब इसमें लेफ्ट टेल राइट टेल कोई सी भी प्रॉब्लम हो, और होता क्या है कि इफ जो पी वैल्यू आई है, क्योंकि इसके लेफ्ट पे रिजेक्शन होता है ना, तो अगर लेफ्ट पे कुछ आया तो इसका मतलब एरिया कम हो जाएगा। तो इफ पी इज लेस देन और इक्वल टू अल्फा रिजेक्ट एचनल, यानी कि अगर जो पी वैल्यू हमने निकाली है वो अल्फा से कम आ रही है, जो अल्फा हमने शुरू में लिया था, तो रिजेक्ट एचनल, अदरवाइज डू नॉट रिजेक्ट एचनल, रिजेक्ट नहीं करें। और फिर छठा स्टेप जो दोनों में कॉमन होगा वो ये होगा, इंटरप्रेट द रिजल्ट, इंटरप्रेट करते हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन कराता हूँ एक्सरसाइज से, मैं वैसे सॉल्व एग्जांपल भी हैं इसमें, लेकिन सॉल्व एग्जांपल आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, मैं आप लोग खुद ही देख लीजिएगा, ठीक है ना। मैं एक्सरसाइज से क्वेश्चन करा रहा हूँ, जब तक मैं ये आप इसको देखते भी रहिए, इसके प्रोसीजर को मैं क्वेश्चन जो है सिलेक्ट करता हूँ कि कौन सा कराया जाए। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन है नाइन, वैसे तो शुरू के जो क्वेश्चन है वो तो सीधे सीधे दिए हुए हैं, 67 से लेके 72 तक वो सीधे सीधे दिए हुए हैं, आपको यही करना है। उसमें कुछ इसमें डायरेक्टली लिखा है म्यू इज अल्टरनेट भी बता दिया, नल भी बता दिया, आपको कुछ उसमें से जो है वो खुद से लैंग्वेज पढ़ के देखना नहीं है। मतलब ये एक्स बार की वैल्यू दे दी, एन की वैल्यू दे दी, सिग्मा दे दी, एचनल दे दी और एच ए दे दिया, तो वो तो सीधे सीधे मैं करा रहा हूँ 73 से आगे, ठीक है ना, 73 और उससे आगे। तो 73 देखते हैं, तो 73 जो है क्वेश्चन इसमें क्या कह रहे हैं, 73 में कह रहे हैं कि कैडमियम अ हैवी मेटल, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ, ए हैवी मेटल इज टॉक्सिक टू एनिमल्स, मशरूम्स हाउएवर आर एबल टू एब्जॉर्ब एंड एक्युमुलेट कैडमियम एट हाई कंसेंट्रेशंस। अच्छा स्क्रीन शेयर कर रहे, मैं तो अपने मोबाइल से देख के कर रहा हूँ, ठीक है आप लोग भी चले, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, लेकिन पहले मुझे इसमें से ढूंढना पड़ेगा। अच्छा ये जो है 9 point, क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ 73 आपको ना, ये वाला
9.4 एक्सरसाइज का, सॉरी 9.3 की जरूरत है, वैसे 9.3 तक आप कर लेंगे। वो इस तरह से कि 9.2 जो है उसमें सिर्फ क्रिटिकल वैल्यू दी हुई है, 9.3 में सिर्फ पी वैल्यू अप्रोच है, और 9.4 में दोनों है। तो हम जब दोनों करेंगे तो जाहिर है कि वो दोनों कवर हो जाएंगे, तो इस वजह से वो मैं नहीं करा रहा। हम आगे जो है वो पढ़ेंगे और इन चीजों को देखिए, मैंने स्क्रीन शेयर किया है, अब देखें, ठीक है। मेरे ख्याल से अभी नजर आ रहा होगा आप लोगों को सबको। इसमें कह रहे हैं कि अच्छा, द चेक एंड स्लोवेक गवर्नमेंट्स हैव अ सेफ्टी लिमिट फॉर कैडमियम इन ड्राई वेजिटेबल्स एट 0.5 पार्ट पर मिलियन, और ये दिया है, ये एक रियल डेटा है, इस वजह से इसके रेफरेंस और ये सारी चीजें दी हुई हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे पब्लिश हुआ है, ये बता रहे हैं। तो हेयर आर द डेटा। जी जूम क्या करूं, कम करूं या ज्यादा करूं, और जूम इन करूं? ये तो बहुत बड़ा था, अब ठीक है। अच्छा, हेयर आर द डेटा, ये डेटा दिया हुआ है। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि एट द 5% सिग्निफिकेंस लेवल डू द डेटा प्रोवाइड सफिशिएंट एविडेंस टू कंक्लूड दैट द मीन कैडमियम लेवल इन बोलिटस पेनिकोला मशरूम्स, ये कोई मशरूम का मुश्किल सा नाम है, इज ग्रेटर देन द गवर्नमेंट्स रिकमेंडेड लिमिट ऑफ 0.5 ppm। अब देखें ये, अब इसको आपको खुद बनाना है ऑल्टरनेट और नल हाइपोथेसिस इस डेटा को देख के। इसके अलावा ये जो डेटा दिया हुआ है इसमें इन्होंने जो है इसकी एवरेज जो है ये सम दे दिया है, इससे आप मीन खुद निकाल लेंगे, और इसके अलावा स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो भी आपको इसमें दिया हुआ है। तो ऐसा करता हूँ कि मैं जो है एक जनरल स्क्रीन जो है वो शेयर कर लेता हूँ। कैसे शेयर होगा? नहीं, बस ऐसे ही शेयर कर लेते हैं, चलो ठीक है। क्वेश्चन तो मैंने रीड कर दिया ना, अब आप लोगों के पास जो है वो आ गया। अब इसके बाद देख लीजिए कि हमें इसका क्या करना है, कि सबसे पहले पहला स्टेप, ये इन्होंने खुद कह दिया था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, सिंपल रैंडम सैंपल है, ये सारी बातें इन्होंने खुद पहले कही हुई है। वन में हमें डिसाइड करना होता है कि हमारी नल हाइपोथेसिस क्या है और ऑल्टरनेट क्या है। अब गवर्नमेंट रिकमेंड जो है वो रिकमेंडेशन क्या है, इसमें कह रहे हैं कि एट द 5% सिग्निफिकेंस लेवल डू द डेटा प्रोवाइड सफिशिएंट एविडेंस टू कंक्लूड दैट द मीन कैडमियम लेवल इन बोलिटस पेनिकोला मशरूम्स इज ग्रेटर देन दैट द गवर्नमेंट्स रिकमेंडेड लिमिट ऑफ 0.5 ppm। तो गवर्नमेंट की रिकमेंडेड जो लिमिट है वो 0.5 ppm है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास नल हाइपोथेसिस है जिसे हम एच नल कहते हैं, ये क्या हो जाएगी, म्यू इज इक्वल टू 0.5 ppm पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। अब हमें ऑल्टरनेट बनाना है, अब हमें ऑल्टरनेट जो है ये बनाना है। तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो क्या हो जाएगी, तो इसको देखने के लिए ये हमें कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन ये है, तो कह रहे हैं कि डू द डेटा प्रोवाइड सफिशिएंट एविडेंस टू कंक्लूड दैट द मीन कैडमियम लेवल इन बोलिटस पेनिकुला मशरूम इज ग्रेटर देन द गवर्नमेंट रिकमेंडेशन, यानी कि तो इसका मतलब है कि ये हमें टेस्ट करना है कि ये इससे गवर्नमेंट जो रिकमेंड कर रही है उससे ज्यादा है या नहीं है, उससे ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑल्टरनेट ही हो जाएगा, म्यू इज ग्रेटर देन 0.5 ppm। तो ये एक राइट टेल प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है इस वक्त ये एक राइट टेल प्रॉब्लम है, ये हमें पता चल गया। इसका सेकंड स्टेप ये होता है कि डिसाइड करना होता है हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो कि हमें नहीं दिया हो तो हम लेते हैं 0.5। अब इन्होंने दिया हुआ है 5% लेते हैं, इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है 5%, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा जो है वो हो जाएगा 0.05। नंबर थ्री में हमारे पास जो सैंपल का डेटा हो उसको हम यूज करते हैं, तो हमारे पास जो सैंपल साइज दिया हुआ क्वेश्चन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, इसका मतलब 12 n है, और जो इनका सम दिया हुआ है
वो 6.31 है और स्टैंडर्ड डिविएशन इसका 0.37 है। ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें। एन की वैल्यू है 12, सम जो है यानी कि सम एक्स ये हमें दिया हुआ है कितना 6.31 और इसके अलावा स्टैंडर्ड डिविएशन यानी ऑफ पॉपुलेशन ये हमें कितना दिया हुआ है 0.37 ppm। तो ये ppm इसकी यूनिट जरूर लिख लीजिए 0.37 ppm। अब हम z वैल्यू निकालेंगे तो z वैल्यू जो है ये हो जाती है x बार माइनस, तो x बार भी फिर निकालना पड़ेगा, तो x बार होगा सम x ओवर n। तो ये है हमारे पास 6.31 डिवाइडेड बाई n यानी कि 12, तो इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, बताइए कितना आ रहा है, कितना 0.52526 ठीक है ppm। x बार माइनस म्यू नल ओवर सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n, तो x बार हमारे पास है 0.526 माइनस म्यू नल हमारे पास है 0.5 डिवाइडेड बाय और सिग्मा हमारे पास है 0.37 और फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 12। जी भाई ये क्या आंसर आ रहा है, इसका सही आंसर बताइएगा या मैं खुद अपने कैलकुलेटर में देख लूं। ये हो जाएगा 0.526 माइनस सर 0.24 0.5 डिवाइडेड बाय, अब मैं खुद ही देखता हूँ, डिवाइडेड बाय 0.37 फिर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 12 और ब्रैकेट, ठीक है यह आया है 0.243। सबके पास यही है, z वैल्यू आ गई 0.243। अब इसके बाद दो इस अलग अलग जो है अप्रोचेज आ जाएंगी हमारी, तो सबसे पहले देखते हैं क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच। क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच जो है इसमें इसके लिए जो फोर्थ स्टेप होगा उसमें हमें क्रिटिकल वैल्यू निकालनी होगी, और क्योंकि राइट टेल है तो आपने देखा था राइट टेल में क्या करते हैं, राइट टेल में हम प्लस जी अल्फा निकालते हैं, अल्फा हमें पता है 0.05 है ठीक, तो जी 0.05 ये टेबल से निकाल लीजिए, तो जी 0.05 ये तो लास्ट क्लास में भी निकाला था, कहीं लिखा होगा, हो सकता है इसी डॉक्यूमेंट में कहीं लिखा हो या आप लोगों के पास लिखा होगा, वरना टेबल तो सबको देखना आ ही गया अब, ठीक है। कितना था ये 1.96 था ये या 1.675 ऐसी कुछ, यही वैल्यूज होती है। तो ये आ गया 1.645, ये हमारे पास जी अल्फा आ गया। देखें राइट टेल है ना, तो इस वजह से जी अल्फा निकालना पड़ेगा, ये लिखा हुआ ना राइट टेल में प्लस जी अल्फा, तो जी अल्फा हमने ये निकाल दिया। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसका क्रिटिकल रीजन बताएंगे। ये जीरो होता है, तो ये जो हमारे पास है ये z 0.05 इसकी वैल्यू 1.645 ये यहां पर आ गई, ठीक है ये यहां पर आ गई, और ये जो रीजन है ये जो एरिया है ये 0.5 होगा, नजर आ रहा है 0.05 होगा। अब ये क्या होगा, रिजेक्ट एच नोल,
रिजेक्ट एचनल, और ये जो एरिया है ये डू नॉट रिजेक्ट, यानी कि लेफ्ट साइड पे होगा तो डू नॉट रिजेक्ट एचनल। अब मैं कलर चेंज करता हूं और हम देखते हैं कि हमारी जो कंप्यूटेड वैल्यू है वो क्या है। ये वैल्यू हमारे पास है 0.243। ये जो 0.243 है ये वैल्यू किस तरफ होगी, ये 1.645 है, तो इसके राइट पे होगी लेफ्ट पे होगी, किस तरफ होगी, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट पे होगी। तो इसका मतलब है कि यहां कहीं होगी ये वैल्यू 0.243, ठीक है ना। ये वैल्यू जो है 0.243 जा रहा है, 1.645 से कम है ये वैल्यू, तो इसके लेफ्ट पे होगी। तो अब ये बताइए कि ये रिजेक्शन रीजन आ गया या तो डू नॉट रिजेक्ट। तो अब हम ये कहेंगे कि जो हमने Z वैल्यू निकाली थी जो कि थी 0.243, ये लेस देन आ रही है Z.05 से जो कि 1.645 है, इसके यानी कि लेफ्ट साइड पे, तो डू नॉट रिजेक्ट एचनल, तो एचनल को रिजेक्ट नहीं करेंगे। यानी कि ये जो क्लेम है कि 0.5 है तो ये क्लेम सही है, उससे ज्यादा जो अल्टरनेट है वो नहीं है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसके बाद इस पी वैल्यू अप्रोच से करते हैं। अब यही क्वेश्चन करेंगे दोबारा पी वैल्यू अप्रोच से, यानी स्टेप 4। पी वैल्यू अप्रोच, तो पी वैल्यू अप्रोच क्या होगी, पी वैल्यू अप्रोच ये होगी कि जो जी वैल्यू निकाली है हमने, उस जी वैल्यू के जरिए क्या करेंगे, पी वैल्यू निकालेंगे टेबल के थ्रू। तो अब आपको टेबल खोलना होगा और टेबल के थ्रू जो जी है वो 0.243, इस पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, और वो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या कहलाएगी, पी वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे तो हम इसको देखते हैं। मैं स्क्रीन शेयर जो है वो दूसरी वाली स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। देखें हमारे पास जो है टेबल आएंगे, ये आ गए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल, टेबल टू, Z वैल्यू कितनी है 0.243, 0.24, बस 24 ही ले सकते हैं ना, ये वैल्यू 243 है, तो एक ये 2 और ये 4, 0.04, तो 0.24 बन गया मिला के, तो कितनी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। जूम करूं सर, अच्छा बहुत ज्यादा जूम किया तो सारी चीजें नहीं नजर आएंगी, अब इतना काफी है। ये हमारे पास वैल्यू 0.24 और ये हमारे पास वैल्यू आएगी 0.5948, ठीक है। तो इस वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं हम, तो हमारे पास जो पी वैल्यू आ गई वो कितनी आ रही है 0.5948। अब हमें क्या करना होता है, यहां पे ये बताएंगे क्योंकि राइट टेल प्रॉब्लम है, तो जो राइट टेल प्रॉब्लम है उसमें हम ये बताएंगे जो Z की वैल्यू है 0.243, ये Z वैल्यू थी, इस पे जो आपके पास आई है ये P वैल्यू आई है जो कि 0.5948 है। अब क्या होता है कि अगर पी वैल्यू लेस देन अल्फा है तो रिजेक्ट करते हैं,
लेस देन और इक्वल टू अल्फा है तो रिजेक्ट करते, अदरवाइज रिजेक्ट नहीं करते। तो अल्फा क्या है हमारे पास 0.05। ठीक है, अल्फा कितना आ रहा है 0.05। तो पी यानी कि पांचवा ही हो जाएगा, पी इज नॉट लेस देन और इक्वल टू अल्फा, तो डू नॉट रिजेक्ट एच नल, क्योंकि पी जो है वैल्यू वो आपके पास है 0.5948 जो कि ग्रेटर देन अल्फा यानी कि 0.05 क्लियरली नजर आ रहा है ग्रेटर देन। तो इसका मतलब है कि रिजेक्ट नहीं करे। तो देखिए इधर से भी डू नॉट रिजेक्ट एच नल आ रहा था, इधर से भी डू नॉट रिजेक्ट एच नल आ रहा है, तो दोनों जगह से जो है वो ये आ रहा है कि एच नल को रिजेक्ट नहीं किया जाए। ठीक है, तो आप कोई सी भी अप्रोच करें रिजल्ट जो है वो दोनों का एक ही आना चाहिए, रिजल्ट जो है वो अलग नहीं हो सकता। अगर अलग आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने किसी किस्म का कोई एरर किया। और आखिरी स्टेप ये होता है 6th स्टेप कि इसकी इंटरप्रिटेशन लिखते हैं। तो आप इंटरप्रिटेशन इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि सिग्निफिकेंस लेवल 5% था, तो हम कहेंगे कि एट दी 5% सिग्निफिकेंस लेवल द डेटा प्रोवाइड दी प्रोवाइड लिख दिया मैंने, डेटा तो लिखना है, the data do not provide, क्योंकि हमने reject नहीं किया उसे null hypothesis, do not provide sufficient evidence to conclude that the mean cadmium level in cathabolitis, हो सकता है इसको किसी और तरीके से प्रोनाउंस करते हो, मैं तो बस जैसे लिखा हुआ वैसे ही पढ़ रहा हूँ, मशरूम्स इज ग्रेटर देन द गवर्नमेंट रिकमेंडेड limit of 0.5 ppm। ठीक है, at the 5% significance level the data do not provide sufficient evidence to conclude that the mean cadmium level in Bolitis pinicola mushrooms is greater than the government recommended limit of 0.5 ppm। यानी जो हमारी जो null hypothesis थी उसको हमने reject नहीं किया। ठीक है, तो वो जो हम टेस्ट कर रहे थे अल्टरनेट उसके मुताबिक हमने इंटरप्रिटेशन लिख दी कि ये जो डेटा हमारा है ये सफिशिएंट एविडेंस नहीं दे रहा कि हम ये देखें कि वो जो मीन कैडमियम लेवल है वो 0.5 से बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ तक ही हम इसे रखते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको फर्दर जो है वो आगे करेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो स्क्रोल अप कर दें जी, स्क्रोल अप कर दें थोड़ा सा।